फ्रेंड्स, आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा में स्वागत है। आई होप सो आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। ये इस सीरीज का पार्ट सेकंड है, जिसके अंदर जो जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बच गए हैं, उन्हें यहाँ पे मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन से गवर्नमेंट ने एक अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम है पुद्गिरी। तो यहाँ पे हमें उस गवर्नमेंट का, उस स्टेट का नेम बताना है, ठीक है। तो ये जो अभियान है पुद्गिरी अभियान, ये स्टार्ट किया गया है हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। इस ये जो अभियान है, इसके थ्रू जो हरियाली है उसे बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत जैसे कि 3100 स्टूडेंट्स पार्ट लेंगे और उनका एम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं। फिर जो गवर्नमेंट स्कूल हो गए और प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट हरियाणा स्टेट में पेड़ पौधे लगाएंगे। कौन कौन से मंथ में, जैसे कि जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, इन मंथ में पेड़ पौधों को लगाया जाएगा, जिससे कि हरियाणा में ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जा सके। सेकंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो गेम्स होते हैं उसमें मैस्कॉट होता है, तो ये मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 का, अभी उसका मैस्कॉट क्या था, ठीक है। तो जितने भी आपको मैस्कॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले वो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जाबीवाका। तो आप इसे जरूर एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 का मैस्कॉट है जाबीवाका। अब यहाँ पे एक चीज़ और, आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए ये बताइए कि जो फीफा वर्ल्ड कप था 2018 का, इस ईयर कहाँ पे हुआ। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। जैसे कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, इस बार फ्रांस के द्वारा जीता गया और फ्रांस ने किसे हराया था, क्रोएशिया को हराया था। एक चीज़ और, जैसे कि 2018 का तो आप बताएंगे, 2022 में मैं बता देती हूँ कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा। तो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर में। तो इसे ज़रूर एक जगह नोट डाउन कीजिएगा कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा कतर कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बहरीन। अब यहाँ पे बहरीन की कैपिटल बतानी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और एग्जाम में क्यों पूछा जा सकता है। पहले इसके आंसर को हम देख लेते हैं। देखिए, बहरीन की कैपिटल है मनामा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब जैसे कि इसके बारे में जान लेते हैं, अब यहाँ पे एक सबसे पहले आंसर लगा लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए, अभी जुलाई मंथ में 14 और 15 को जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज जी, वो बहरीन गई थी विजिट पे। तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ, तो हमें वहाँ टॉपिक पता होने चाहिए कि जैसे कौन कौन से टॉपिक हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे बातचीत हुई, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जो सुषमा स्वराज जी ने वहाँ पे इस टॉपिक पे बात की। उन्होंने वहाँ की जो मनामा की एक लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी इन मनामा, एक जो बुक्स का सेट दिया है उसका नाम है भारत एक परिचय। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि सुषमा स्वराज जी के द्वारा जो नेशनल लाइब्रेरी इन मनामा है उसमें कौन सी बुक्स का सेट दिया गया, तो वो है भारत एक परिचय। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज सेलिब्रेटेड नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। देखिए, जो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये हर साल जुलाई में 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो आप सभी को पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस ईयर 2018 में जो नेशनल मंडेला थे उनको जन्म लिए हुए 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए। 18 जुलाई को इनका बर्थडे होता है, तो इस 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी नेशनल मंडेला जी की। अब इन्होंने क्या किया था कि जो इतने फेमस हो गए और इनका इनके जन्मदिन पे इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, इन्होंने जो पॉवर्टी होती है, गरीबी के लिए बहुत वर्क किया, जिससे कि देश से गरीबी को हटाया जा सके। इनकी एक फाउंडेशन थी, नेल्सन मंडेला फाउंडेशन। तो उसका मेन मोटिव यही था कि जो पॉवर्टी होती है उसके अगेंस्ट लड़ाई करें, लोगों को कम से कम पॉवर्टी से, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी से दूर किया जा सके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5।
Which bank has received RBI approval to open offices in Bahrain, Kuwait and Singapore? RBI ने कौन से बैंक को अप्रूवल दे दी है कि वो अपना कार्यालय बहरीन, कुवैत और सिंगापुर में खोल सकता है? तो ये बैंक है फेडरल बैंक। मैं आप लोग को फिर से बता देती हूँ, जैसे कि अगर कोई बैंक न्यूज़ में होता है तो आप सभी को उसके CEO, उसका हेडक्वार्टर, उसकी टैगलाइन, ये सब पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसका जो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है और जो उसके CEO है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हेडक्वार्टर तो है कोची में और उसके CEO कौन है? श्याम श्रीनिवास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आप सभी को पता होगा, इंडिया में बहुत जो व्हीकल्स होते हैं वो चोरी होते हैं। तो व्हीकल्स की चोरी को रोकने के लिए एक टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। तो यहाँ पे हमें उस टेक्नोलॉजी का नाम बताना है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी। तो आप इस टेक्नोलॉजी का नेम याद रखिएगा। अब जैसे कि हम एनुअली बात करें कि इंडिया में कितने व्हीकल्स चोरी होते हैं, लगभग 2.14 लाख एनुअली व्हीकल्स चोरी हो जाते हैं इंडिया में। अगर ये बात की जाए कि सबसे ज़्यादा व्हीकल्स कहाँ चोरी होते हैं, तो इस लिस्ट में टॉप किया है दिल्ली ने। तो आप सभी को ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, तो आप इसे एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस सरकार ने एक स्कीम बनाई है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत जो सेब की खरीद होती है उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो लिए जाएंगे। तो आप सभी को पता होगा कि सेब की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी जो स्कीम होगी तो कहाँ पे बनाई गई होगी, हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा बनाई गई होगी। अब जैसे कि इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि इसका मोटिव क्या है। तो जो सेल की गिरावट होती है, जो जैसे कि कभी जो सेब है उनके मूल्य, जो उसका प्राइस है वो कम हो गया, उससे क्या होगा, फार्मर को बहुत नुकसान होता है। तो फार्मर के नुकसान को बचाने के लिए मेन इस स्कीम को बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन विथ विच एजेंसी। कि पश्चिम बंगाल ने अपने स्टेट में आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन सी एजेंसी के साथ हाथ मिलाया है? तो वो एजेंसी है नेशनल हेल्थ एजेंसी। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल ने नेशनल हेल्थ एजेंसी के साथ जो आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए MOU साइन किया है। इसके अंतर्गत देखिए, अगर हम बात करें आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, पहले से ही 26 स्टेट इसके साथ जुड़ चुके हैं। इसमें क्या है, जो हेल्थ प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, बहुत सारी योजना है, तो उससे क्या होगा, जो आजकल हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसे दूर किया जा सकता है और इंश्योरेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Which state police has decided to hire digital volunteers to control the issue of eliminate illegal activities? जो rumors होती हैं और illegal activities होती हैं उसे हटाने के लिए, उसे कम करने के लिए कौन सी state की police ने ये decide किया है वो कुछ volunteer को hire करेंगे? तो ये state है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा कुछ वॉलंटियर हायर किए जाएंगे जो र्यूमर्स और जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसे दूर करेंगे। अब जैसे कि एक पुलिस स्टेशन के लिए कितने वॉलंटियर हायर किए जाएंगे, 250, और लगभग कितने पुलिस स्टेशन है, 1469। और एक बात और, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, OP सिंह, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच सिटी हैज लॉन्च वॉकिंग एक्शन प्लान टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वॉकेबल सिटी इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री ने एक प्लान स्टार्ट किया है, उसका नाम है वॉकिंग एक्शन प्लान, जिससे कि ये सिटी बन जाए मोस्ट वॉकेबल सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये किया गया है लंदन। तो और लंदन कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
तो लंदन के द्वारा ये प्लान स्टार्ट किया जाएगा, वॉकिंग एक्शन प्लान। इस प्लान को स्टार्ट करने के लिए जो लंदन की गवर्नमेंट है वो वहाँ के जो स्ट्रीट्स हैं उन्हें अच्छे तरह से डिज़ाइन करेगी, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनवाएगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्री ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड बिकम द 68 मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो उसे कौन सी कंट्री ने अभी ज्वाइन किया है और वो इस मिशन का 68 मेंबर बन गया है। तो ये मिशन जो है ये ज्वाइन किया गया है म्यांमार के द्वारा। तो अब जो म्यांमार है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 68वां मेंबर बन गया है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव हरियाणा में। इसका देखिए मेन मोटिव क्या है कि जो सोलर एनर्जी होती है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी होती है उसे सेव कर सकें, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है सबसे सस्ती एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज टेकन एस चार्ज ऑफ MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक। देखिए, अभी हाल फिलहाल में IDBI के नए CEO बने हैं, तो यहाँ पे हमें उनका नेम बताना है। यहाँ पे आपको पांच ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि IDBI के जो नए CEO और MD हैं उनका नाम क्या है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, ये है जो IDBI बैंक है उसके नए CEO। साथ साथ यहाँ पे आप मुझे IDBI का हेडक्वार्टर और इसकी टैगलाइन क्या है दोनों ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वॉज द 18 इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल इनॉग्रेटेड। देखिए, अभी जो 2018 में 18वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह हुआ था, तो उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया गया था कोलकाता में, और कोलकाता कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में 18वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का उद्घाटन किया गया। इस ईयर जो थीम रखी गई थी वो थी वैल्यू ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स की क्या इम्पोर्टेंस है उसे प्रमोट करने के लिए मेन इस इवेंट का मोटिव था। इसके अंतर्गत 36 फिल्म दिखाई गई 7 कंट्रीज की, और ये इवेंट कब हुआ था, 25 जुलाई को हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो 2018 का जो 18 इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल था वो 25 जुलाई को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एज ऑथर द बुक। देखिए, जो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसके कोई फॉर्मर चेयरमैन होंगे जिन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है व्हेन कोल टर्न गोल्ड द मेकिंग ऑफ महारत्न कंपनी। तो जैसे कि कोई बुक होती है और फेमस बुक है तो उसके ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एग्जाम में बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो बुक है उसके हमें ऑथर बताने हैं कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस बुक के ऑथर हैं सत्यरथी भट्टाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस बुक में देख लेते हैं कि क्या लिखा है। देखिए, इस बुक के अंदर जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी स्टोरी बताई गई है कि कैसे एक जो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी थी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी से कैसे इसे प्रॉफिटेबल महारत्न कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसके बीच की जितनी भी पूरी जर्नी है वो इसके अंदर बताई गई है। अब यहाँ पे हमें इसके चेयरमैन और हेड ऑफिस पता होना चाहिए कि कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन कौन है और इसका हेड ऑफिस क्या है। तो चेयरमैन प्रेजेंट में है अनिल कुमार झा, और इसका हेड ऑफिस है कोलकाता में। तो आप दोनों ही चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच गवर्नमेंट सेट अप कमेटी टू लुक इंटू अ डिमांड्स ऑफ शिक्षा मित्र। देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो शिक्षा मित्रों की डिमांड्स, मतलब बहुत सारे प्रोटेक्शंस हो रहे थे, तो उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए किस सरकार ने एक समिति की स्थापना की गई। तो ये सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो उत्तर प्रदेश की सरकार एक कमेटी बनाएगी, उसके अंदर क्या होगा, जो शिक्षा मित्र की डिमांड्स है उन्हें कंसिडर किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब ये जो कमेटी है ये
फॉर्म की जाएगी जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और इसे हेड कौन करेगा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दिनेश शर्मा, उनके द्वारा ये हेड की जाएगी। तो ये दोनों ही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा फॉर्म की गई और कौन इसे हेड करेगा। इसके अंतर्गत जो भी शिक्षा मित्र की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कंसीडर किया जाएगा, उनकी जो डिमांड्स है, जैसे कि जो 30,000 TET पास शिक्षा मित्र हैं उनकी डिमांड है कि उन्हें जॉब मिले, तो इसे भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, स्वप्न सरकार जिनका अभी अभी देहांत हो गया वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से, तो ये जो स्पोर्ट्स के गेम होते हैं ये उनसे लिंक थे, मतलब उनका ये जर्नलिस्ट थे। अब जैसे कि इनके बारे में जान लेते हैं, इन्होंने बहुत सारे गेम्स में जर्नलिस्ट पब्लिकेशन दिए, जैसे फुटबॉल गेम हो गया, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इन सभी के इन्होंने जो उनके न्यूज़ है वो दी हैं। इन्होंने वर्क किया है कोलकाता के इंग्लिश डेली अमृत अमृत बाजार पत्रिका में एंड नॉर्थन इंडिया पत्रिका में। ये जो इन्होंने टू बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी कवर किए हैं, जैसे कि 1982 का एशियन गेम हो गया और 2010 का कॉमनवेल्थ गेम हो गया, इन दोनों गेम्स को भी इन्होंने कवर किया था। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर वॉज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए वुमेंस के लिए अभी एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, उसका नाम है इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया गया है मोहाली में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ मोहाली। तो आप सबको अब पता चल गया होगा कि पहला जो स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है मोहाली में है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के और वो स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के भी हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा इसकी फाउंडेशन स्टोन को रखा गया है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 17 करोड़ रुपीज़। देखिए जैसे कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है या कोई इंस्टीट्यूट लॉन्च होता है तो हमें उसका अगर बजट दे रखा है तो साथ साथ उसका बजट भी हमें पता होना चाहिए। तो एग्जाम से ये भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वुमेन्स के लिए उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 17 करोड़ रुपीज। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज द राइटर ऑफ एक डॉक्टर की मौत। देखिए एक फिल्म है, इसके जो इस फिल्म की स्टोरी थी उसके राइटर कौन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रामपदा चौधरी। ये एक बहुत अच्छी मूवी है। देखिए इसकी जो हम बात करें मूवी कौन सी स्टोरी पे बेस्ड है, जो रामपदा चौधरी है इन्होंने एक बुक लिखी थी अभिमन्यु, तो इस बुक पे एक मूवी बनाई गई है, उस मूवी का नाम रखा गया एक डॉक्टर की मौत। जो रामपदा चौधरी है इनका भी हाल में देहांत हो गया, इसी वजह से ये जो है ये न्यूज़ में थे और एग्ज़ाम में इनका ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। इस बुक के अंदर जो डॉक्टर थे डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, इनके बारे में बताया गया था, इनकी स्टोरी थी। और जो एक डॉक्टर की मौत है ये फिल्म किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है, जो डायरेक्टर तपन सिन्हा हैं इनके द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया। तो आपको इस मूवी के राइटर के साथ साथ डायरेक्टर भी पता होने चाहिए कि इसके डायरेक्टर कौन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द फेस्टिवल इन द थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। देखिए जो अभी थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, दरवान साउथ अफ्रीका में। तो उसमें कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो ये फिल्म थी न्यूटन, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे अब मुझे इसके डायरेक्टर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि न्यूटन के डायरेक्टर कौन है। अब इस जो ब्रिक्स का फिल्म फेस्टिवल हुआ था इसमें 24 फिल्म्स को दिखाया गया था। फिर जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल होता है इसका मेन मोटिव ये होता है, जो ब्रिक्स की जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनकी मूवीज दिखाई जाती है, तो इंस्पायर किया जाता है। ओके नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, ये जीएसपे कॉन्टे किस कंट्री के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो टू टाइप से फॉर्म हो सकता है, एक तो ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि कोई कंट्री दे दी जाएगी अगर उसके नए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चुने गए हैं तो आपको उनका नाम बताना होगा, या फिर उनका नाम दे दिया जाएगा कंट्री पूछ ली जाएगी। तो जीएसपे कॉन्टे ये हैं इटली के न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इटली।
ठीक है, अब इटली से हमें स्टैटिक जीके का पोर्शन पता होना चाहिए, जैसे कि इसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है और प्रेसिडेंट क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी तीनों कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन आता है, नेम द मैस्कॉट दैट हैव बीन असाइंड फॉर द टोक्यो 2020 ओलंपिक। ये जो टोक्यो में 2020 में ओलंपिक होगा उसके लिए मैस्कॉट के रूप में क्या, उसका मैस्कॉट क्या है? तो उसका मैस्कॉट है मैरीटोवा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जैसे कि आप सभी को पता होगा, एक होता है ओलंपिक और एक होता है पैरा ओलंपिक, तो दोनों के ही हमें मैस्कॉट पता होना चाहिए। देखिए ओलंपिक का तो मैस्कॉट हो गया मैरीटोवा, और जो पैरा ओलंपिक है उसका जो मैस्कॉट है वो है सुमेती। तो ये दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। आपसे टोक्यो का जो 2020 में टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है उसका भी मैस्कॉट पूछा सकता है, और पैरा ओलंपिक भी मैस्कॉट पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है, भारत सरकार ने, देखिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनहेंस करने के लिए कौन सी कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है? तो ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम मिलकर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम। अब जैसे कि ये जो एमओयू है ये साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और जो लंदन के ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन है, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिससे कि जो इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे बहुत अच्छा बना सके। ठीक है, इसके थ्रू अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है और उसे थोड़ा इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये सब इसका मोटिव था एमओयू साइन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक बुक है गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948। तो इस बुक के ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक के राइटर हैं रामचंद्र गुहा। तो आप इस बुक को एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। अब इस बुक के अंदर क्या स्टोरी दी गई है? देखिए इस बुक में गांधी जी की लाइफ के बारे में बताया गया है, जब वो साउथ अफ्रीका से चले थे एंड इनकी मृत्यु तक की जो पूरी स्टोरी है इस बुक में बताया गया है। अब इस बुक में जो उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट था उसके बारे में भी जिक्र किया है। एक बात और, ये जो बुक थी गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, ये किसके द्वारा पब्लिश की गई? तो ये पब्लिश की गई थी पैंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द मोबाइल ऐप फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर इन राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है, जिसके थ्रू अगर कोई ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो आप रिप्लेसमेंट के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें उस मोबाइल ऐप का नेम बताना है। तो यहाँ पे उस मोबाइल ऐप का नेम रखा गया है बिजली मित्र। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब इसके थ्रू क्या होगा, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट के थ्रू विद इन 6 आवर्स में आपकी कंप्लेंट पर वर्क होगा, ट्रांसफार्मर को सही किया जाएगा, अगर रिप्लेस करने की जरूरत है तो रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन एक तरह से और फॉर्म हो सकता है कि बिजली जो मित्र है ये कौन सी सरकार के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच गवर्नमेंट सेट अप 24 आवर्स हेल्पलाइन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटर कास्ट कपल, अंतरजाति जोड़ों की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है 24 आवर्स के लिए। तो ये हेल्पलाइन किस कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च स्टार्ट की गई है? वो गवर्नमेंट है तमिलनाडु की गवर्नमेंट। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक अच्छी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर किसी के साथ कुछ हरेसमेंट हो रहा है तो आप कंप्लेंट दायर करवा सकते हैं। तो और आपने देखा होगा कि ये जो इंटरकास्ट मैरिज होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उन सबको दूर करने के लिए ये एक हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है। अब इसके बाद हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके हम क्या कर रहे हैं एक वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस को कवर कर लें। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है वन लाइनर में, वेयर वॉज हेल्ड 8th सेशन ऑफ इंडिया ओमान ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। जो अभी इंडिया और ओमान के बीच में एक मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी ओमान के मुस्कैट में। फिर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ कितनी है? 7.5%। थर्ड क्वेश्चन,
विच गवर्नमेंट अनाउंस अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीननेस पॉलिसी। ये जो अनाउंस किया गया है ये गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। फिर फोर्थ, एक म्यूजियम है जिसके अंतर्गत जो और अब तक इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं तो एक उनके लिए एक म्यूजियम बनाया गया है। तो वो म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? न्यू दिल्ली में बनाया गया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्मार्टफोन स्कीम? उस स्कीम का नाम है संचार क्रांति योजना। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। जो 2018 में जर्मन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसे किसने जीता? तो ये जीता था लुइस हैमिल्टन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेवन, जो 2018 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया गया था उसकी थीम क्या थी? तो इसी उसकी थीम थी टेस्ट ट्रीट एंड हेपेटाइटिस। यहाँ से एक क्वेश्चन और फॉर्म हो सकता है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। क्वेश्चन नंबर एट की ओर आगे बढ़ते हैं, ऑन विच डेट इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व? तो टाइगर डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनल? 29 जुलाई को। नाइन्थ क्वेश्चन, द कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। जैसे कि जो स्टेट में सिटीजन्स होते हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखने के लिए एक रजिस्टर क्रिएट किया जाता है, एक रजिस्टर बनाया जाता है। तो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इसे पब्लिश कर दिया गया है? तो ये पब्लिश किया गया है असम की सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट, विच फर्म सरपास्ट टीसीएस टू बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूड फर्म बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? टीसीएस को पीछे छोड़ते हुए इंडिया की कौन सी फर्म नंबर वन पे पहुंच गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन में? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, आई थिंक यहाँ इस जो वीडियो है इसमें मैंने टोटल आप लोगों के साथ 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स का अब मेंस का पेपर है ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।